बसनी में फोर्सेस की दो गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला, 14 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की गाड़ियां पसनी से ओरमड़ा जा रही थीं। दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। घिनौने फेल में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सियासी क़यादत की फौजी काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत। शहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं दहशतगर्दों के नापाक अज़ायम कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि शहदा ने मुल्क की खातिर जानों का नजराना दिया। कौम दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुत्तहिद है। SSP अशरफ मार्थ शहीद की कब्र पर सलामी की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब का हकायक मस्ख करने वालों को जवाब। शहदा का कर्ज कभी अदा नहीं किया जा सकता। हकायक मस्ख करने से परहेज किया जाए तो बेहतर होगा। प्रोटोकॉल का शौक था, न कभी सरकारी प्रोटोकॉल लिया। तकरीब पर किसी को तकलीफ हो तो इसका इलाज अल्लाह ही कर सकता है। PTI रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। साबिक स्पीकर कौम असेंबली को उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया। पुलिस और एंटी करप्शन एहलकारों ने हिरासत में लिया। असद कैसर पर कॉलेज के फंड में खुर्दबुर्द का इल्जाम। फैसला हो गया, आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर आरिफ अलवी ने तारीख पर दस्तखत कर दिए। दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश। अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज नहीं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद है हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। अगर किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो वो घर चला जाए। ऐसा ना हो TV पर खबर चले कि पता नहीं इंतखाबात होंगे या नहीं। जिसे शकूक व शुबहात हो वो अपनी बीवियों के सामने इजहार करें। अदम एतमाद के बाद सियासी बोहरान पैदा हुआ। सदर का अदम एतमाद के बाद असम्बली तहलील करना गैर आइनी था। गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी होता है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन केस में हुक्मनामा। सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था। हैरानकुन तौर पर उन्होंने असम्बली तहलील की। आइन से इनहराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं। जो PTI है वो उसकी बुनियाद जो है वो एक इस किस्म की सियासत का था जिसमें उनके लिए तो लेवलिंग प्लेइंग फील्ड, बाकी सब के लिए ना होने का एक सोच था। बहुत बड़ा कामयाबी है कि आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि फरवरी 8 को इलेक्शन होगा। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक। बिलावल भुट्टो का अदालती फैसले पर रद्द अमल। बोले बेहतर होता अदलिया को मुदाखलत न करनी पड़ती। अदालत ने कहा है तो इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। हम लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने की उम्मीद क्यों रखें? हमें किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। PTI से इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ, अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। नून लीग भी अवामी अदालत में जाने के लिए तैयार। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। हमने हमेशा आवाम की खिदमत की। पाकिस्तान को एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। शहबाज शरीफ का इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। कहते हैं अवामी क्यादत आने से लोगों की जिंदगी में खुशहाली आएगी। मुल्क में दोबारा अमन लाएंगे। तवानाई बहरान का खात्मा। बेरोजगारी और महंगाई से आवाम की जान छुड़ाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हाफिजाबाद में सियासी शो। शख्सियात नहीं आवाम अहम है। हमें सुपरस्टार की नहीं सुपर सिस्टम की जरूरत है। जहांगीर तरीन का खिताब। गरीब के बिजली के बिल हुकूमत अदा करेगी। हर घर में साफ पानी पहुंचाएंगे। पेट्रोलियम कीमतें कम करेंगे। अलीम खान के आवाम से वादे। अलीम खान की चेयरमैन PTI पर भी तनकीद। बोले जेल में जाने वाला शख्स बड़ा बेवकूफ था, उसने जहांगीर तरीन से कोई फायदा नहीं उठाया। पाकिस्तानी टीम के लिए गलती की गुंजाइश खत्म। पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड से टकराएगा। न्यूजीलैंड से भारी मार्जिन से मैच जीतना लाजमी है। बेंगलुरु स्टेडियम में बारिश का इम्कान। इमामुल हक गर्दन में तकलीफ का शिकार। टीम की प्रैक्टिस से भी गैर हाजिर रहे।
हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का हथियार न डालने का ऐलान। कहते हैं गजा जंग का दायरा वसी हो चुका, हम झुकेंगे ना किसी के दबाव में आएंगे। तूफान अक्सा ऑपरेशन ने इसराइल को हर सतह पर झंझोड़ कर रख दिया। इसराइल का दिफाई निजाम मकड़ी के जाले से ज्यादा कमजोर साबित हुआ। गजा के अवाम की कुर्बानियों ने नई तारीख रकम कर दी। इसराइली फौज ने गजा शहर का मुहासरा कर लिया। फजाई हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,300 तक जा पहुंची। इसराइली बमबारी में 24,000 फलस्तीनी जख्मी हैं। इसराइल की लेबनान की सरहद पर बमबारी, 5 लेबनानी शहरी शहीद हो गए। खान यूनिस में सहाफी के घर पर बमबारी, सहाफी मोहम्मद अबू हुतैब समेत 11 अहलखाना शहीद। हमास का इसराइली फौज पर बड़ा हमला, 6 टैंकों समेत 9 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। इसराइली बटालियन हेडक्वार्टर पर धावा, इसराइली अफसर समेत 20 फौजी हलाक हुए। हिजबुल्लाह के 9 फौजी चौकियों पर हमले। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। ज़राअत, सियाहत, तारीखी इमारतों की बहाली बारे बातचीत। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पंजाब में स्मॉग को आफत करार देकर इमरजेंसी नाफिज की गई है। और चेयरमैन ज़का अशरफ घर जाएंगे या बरकरार रहेंगे? वज़ारत बैन-उस-सूबाई राब्ता ने निगरान वज़ीर आज़म से राय मांग ली। ज़का अशरफ की 4 माह की मियाद 5 नवंबर को ख़त्म होगी। ज़का अशरफ मैनेजमेंट कमेटी में तौसी के लिए कोशां, अहम शख्सियात जिम्मेदारियां संभालने के लिए।